विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। लगातार आप लोगों के गल्फ कंट्रीज से सवाल निकल कर आ रहे थे कि दुबई, सऊदी अरब और यहाँ के लिए फ्लाइटें क्या चलेंगी, क्या स्थिति इस वक्त है। तो एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, वो देने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर जो भारत है इस वक्त यूएई की जितनी भी एयरलाइंस है उनको अपने यहाँ से यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। जैसे कि इसमें एयर अरेबिया शामिल है, साथ में कुछ एमिरेट्स एयरलाइन शामिल है, एतिहाद शामिल है, तो इनको अभी यहाँ से जो रिपेट्रिएशन फ्लाइटें हैं ये ऑपरेट करने की अनुमति नहीं दे रहा है। पर लगातार जो बातचीत है इसको लेकर चल रही है। आपको बता दें, जो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है वो ये है कि यहाँ पर फ्लाई दुबई, एतिहाद और एयर अरेबिया अमीरात जैसी एयरलाइंस यहाँ पर लगातार इंडिया से ये गुजारिश कर रही हैं और इसको लेकर आने वाले समय में आपको बड़ी जानकारी मिल सकती है। इट मीन्स कि जो उड़ानें हैं ये एयरलाइंस की, जो कि एतिहाद, फ्लाई दुबई, अमीरात और एयर अरेबिया, इनकी फ़्लाइटें इंडिया से बाहर कंट्रीज़ के लिए, इंडिया से गल्फ कंट्रीज़ के लिए ऑपरेट हो सकती हैं। आपको बता दें, इसकी जो सूचना है अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है और यहाँ पर ये ज़रूर बताया गया है कि अगर ये फ़्लाइटें ऑपरेट की जाती हैं तो जो इसकी बुकिंग होगी इसके लिए जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है यहाँ पर, उसको एक स्पेशल जो रिक्वायरमेंट होगी वो लेनी होगी और स्पेशल क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। जो पूरी जानकारी है वो तभी पता चल पाएगी जब जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आएगा वो आएगा। तो ये एक रिपोर्ट थी जिसके बारे में जानकारी देनी थी आपको, जिसके अंतर्गत की ये जो फ्लाइटें हैं ये यहाँ से वहाँ, मतलब यहाँ से गल्फ कंट्रीज के लिए ऑपरेट करने की बात कर रही हैं ताकि जो इंडिया में फंसे लोग हैं जो गल्फ जाना चाहते हैं उनकी मदद हो सके। तो बस ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन होता है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त विनायक। मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।